सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मीडिया ट्रायल मुल्क के इत्तेहाद को खतरा साबित हो रहा है। टीआरपी हासिल करने के लिए नफरती डिबेट न्यूज चैनलों के जरिए की जा रही है, लिहाजा इस पर रोक लगाना चाहिए। अब इसमें तकरीबन न्यूज चैनल मुलव्विस हैं और जाहिर है इन्हें इसकी कीमत भी मिलती रहती है। आखिर इन तमाम के पीछे की वजह भी सभी जानते हैं। मुल्क में बढ़ती नफरती फिजाओं और वारदातों की सुनवाई के दौरान जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बी वी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि नफरती बयान एक बड़ा खतरा बन गया है, इसे रोकना होगा। आगे कहा कि वे हर चीज को सनसनीखेज बनाते हैं और मंजर की हकीकत को समझने से पहले ही किसी एक समाज को निशाना बनाते हुए माशरे में तफरका पैदा करते हैं। और जाहिर है सोशल मीडिया का दौर या फिर टीवी के अक्सर प्रोग्राम अवामी जहनों पर असर भी करते हैं। फिर ये अफसोस भी जताया कि अवाम जहनी तौर पर किसी बात को बिठा भी लेती है। खैर, इस पर भी कई सवाल उभरते हैं। आखिर क्या बात है कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क में बढ़ती नफरती फिजाओं पर फिक्र का इजहार कर रही है? मतलब बात बहुत दूर तक जा पहुंची है। पर क्या फिरका परस्त तंजीमों को, फिरका परस्त पार्टियों को इससे कुछ फर्क पड़ रहा है? अब तो खुलेआम मुसलमानों पर प्रोग्राम चलाए जाते हैं, यहाँ तक कि तालीमी मैदान में नफरती जहर खोलने में हिंदुत्व सोचो फिक्र कामयाब होती नजर आ रही है। कई इल्मी दानिशवर, कई इल्मी माहिरीन इस पर फिक्र का इजहार करते हुए आगाह करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि जिस समाज को लेकर तमाम फिरका परस्त इतने सरगर्म होकर अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि मुस्लिम समाज को अलग थलग किया जाए, उस समाज को ही किसी तरह की फिक्र नजर नहीं आ रही है। अब इसे कैसे रोका जाए, ये भी अहम सवाल है। जाहिर है इसे तब ही रोका जा सकता है जब भाजपा और फिरका परस्त पार्टियों, तंजीमों, इदारों को अख्तदार से हटाया जाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अख्तदार पजीर हुकूमत के जेर मातहत आजकल सब कुछ चल रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज का ना तो कोई सियासी मंसूबा है और ना ही दीनी मंसूबा नजर आता है। ये समाज अपनी अलग जिंदगी में मसरूफ है। जाहिर आज मुल्क की सतह पर गौर किया जाए तो कमजोर ही सही पर कांग्रेस ही बतौर विपक्ष खड़ा नजर आ रहा है। कुछ हद तक भारत जोड़ो यात्रा का असर भी देखा जा रहा है, कुछ हद तक जान भी फूंकने की कोशिश की गई है। तमाम सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल की तहरीक चुनाव के मद्देनजर भाजपा की जानिब से तेज की जा चुकी है। ईडीआईटी के छापे मारे जा रहे हैं, एक तरफ अवाम को नफरती जहर बराबर पिलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ भाजपा के खिलाफ या मुसलमानों के हक में कोई भी खड़ा ना हो इसका भी ख्याल भाजपा संघ या हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से किया जा रहा है। नौबत तो यहाँ तक आई हुई है कि अब फिल्मों को भी हिंदू मुस्लिम का चश्मा पहनाया गया है और ये तमाम जद्दोजहद मुसलमानों को किस तरह से समाज से अलग थलग कर एक तरह का डर माशरे में पैदा किया जाए, अब तो जो चाहे बयानबाजी बिला खौफ करते हुए देखा जा रहा है। अल्लाह, रसूल, मुगल, कुरान, इस्लामी तहजीब पर मनमानी बयानात की झड़ी लगी हुई है। खैर, कहने का मतलब आने वाले चुनाव के मद्देनजर भाजपा शिद्दत पसंद हिंदुत्व की इश्तेहारबाजी में लगा हुआ है। बेलगाम में भी मस्जिदों को लेकर माहौल को तशद्दुद में तब्दील करने की कोशिश जारी है और हिंदुत्व तंजीमें यहाँ भी सोशल मीडिया पर सरगर्म है। एक तरफ मुसलमानों के महज फेसबुक पोस्ट पर मुकदमा दायर करने वाली इंतजामिया बजरंग दल रामसेना की जानिब से मुसलमानों को मारने काटने की बात पर भी अब तक कार्रवाई नहीं है। इसका सीधा मतलब कहीं तो दबाव है। अब मुसलमानों का रद्द अमल तो और भी अफसोसनाक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों में तफरके पैदा करने के गिरोह आरएसएस की जानिब से बनाए गए। किसी तरह मुल्क से कांग्रेस को साफ करने की कोशिश भाजपा आरएसएस की जानिब से की जा रही है और कांग्रेस मुक्त भारत का ऐलान इससे पहले भी किया जा चुका है। अब मुसलमानों की अजीब जहनियत भी समझने की जरूरत है। अब तक कांग्रेस को वोट करने के बाद कुछ लोगों को कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया का नारा बुलंद करना शुरू किया गया। आपको चाहकर या ना चाहकर फिलहाल कांग्रेस ही को वोट करना होगा या फिर 5 साल किसी भी पार्टी के पीछे न लगते हुए मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा। खैर, मुसलमान एक नहीं होंगे, ये भी उतना ही सच है, लेकिन एक और तकलीफ देह बात यह है कि मुसलमानों के अलग अलग गिरोह पार्टियां बाहर निकलकर कांग्रेस की बुराई करते हुए देखा जा रहा है। अगर कांग्रेस से मुसलमानों को नुकसान हुआ है तो इसका एहसास पहले क्यों नहीं हुआ? लिहाजा अब ऐसे वक्त में अगर सियासी तौर पर अपना कुछ असर और रसूख रखना चाहते हैं तो कांग्रेस ही एक रास्ता हो सकता है। शायद कुछ लोग हमें भी कांग्रेस हिमायती कह सकते हैं, लेकिन अगर गौर फिक्र करें तो बताएं तो सही के
इसके बगैर और क्या रास्ता हो सकता है? भाजपा का डर दिखाकर मुसलमानों के कांग्रेस वोट लेती है कहा जाता रहा है। अरे गलत नहीं, ये सच भी है, लेकिन क्या कोई और इसका हल हो सकता है? जबकि मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिश कामयाबी हासिल करती नजर आ रही है। अलग अलग पार्टियों के जरिए मुसलमानों को तकसीम करने का प्लान भाजपा हिंदुत्व ब्रिगेड की जानिब से और तेज किया जा चुका है। हाल ही में आरएसएस के एक इजलास में कांग्रेस से मुसलमानों को अलग करने के मंसूबों पर गौर भी किया गया और बिकाऊ मुसलमानों को माशरे में कांग्रेस के नुकसान पर अफवाहें और खबरें फैलाकर किसी और पार्टी को वोट करने के फायदे गिनाने की तरबियत दी गई है। और आप देख भी रहे होंगे कि अलग अलग नाम से पार्टियां और तंजीमें माशरे में देखी जा रही है। आगे चलकर कांग्रेस पार्टी रहेगी नहीं रहेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी रहे या ना रहे पर मुसलमानों पर आने वाली आजमाइश का हल मुस्लिम तंजीम इदारे पार्टियों के पास नहीं है, ये भी उतना ही सच है। अगर रियासत की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी, MIM, JDS, कांग्रेस मैदान में होंगे और सभी को मुसलमानों के वोट चाहिए। भाजपा या यूं कहिए कि RSS अपने 100 साल पूरे कर रही है, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा सामने है और ऐसा नहीं कि यह महज डराने के लिए बताया जा रहा है बल्कि सच्चाई है। इससे पहले की बातें और मौजूदा हकीकत में बहुत फर्क है। अपने आप को किसी भी पार्टी के कारकुन समझने से पहले बताए तो सही के क्या इस वक्त मुख्तलिफ पार्टियों में अपना वोट बांटना कहां तक दुरुस्त होगा। यकीनन कांग्रेस ने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन 70 साल तक तो वोट करते रहे तब तो याद नहीं आया। अब जब हमें तमाम माशरे में ही अछूता करने की साजिशें तेज हो चुकी है, हर मैदान में मुसलमानों को माशरे से अलग कर अक्सरियत हिंदुओं को एक करने की तहरीकें कामयाब होती नजर आ रही है, ऐसे वक्त में अगर कांग्रेस नहीं तो मुसलमानों के पास क्या रास्ता हो सकता है? कांग्रेस के भी उम्मीदवार जीतकर भाजपा में जा सकते हैं और कर्नाटक में हमने देखा भी है, दिगर रियासतों में भी हमने भाजपा का दामन थामते हुए कांग्रेसियों को देखा है, लेकिन इसके बावजूद भी रास्ता क्या है? इन तमाम के बावजूद हमारे पास कांग्रेस ही रास्ता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। मुसलमानों की अपनी पार्टियों से मुसलमानों का कितना तहफुज हो रहा है और जब अदालतों से लेकर इंतजामिया और सरकारी एजेंसियां भाजपा इख्तदार हुकूमतों के जेर मातहत अपने खदमात अंजाम दे रहे हैं तो अब किसी मुस्लिम पार्टी का कितना रसूख हो सकता है? फिर आप कितना ही बयानबाजी पार्लियामेंट में करते रहो, मतलब जब तक भाजपा या संघीय विचारधारा के लोगों को हटाने की कोशिश दिगर सेक्युलर लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं करेंगे, मुसलमानों के लिए आने वाले दिन बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। मस्जिदें, मदारिस, दरगाह तमाम निशाने पर हैं और इतना बड़ा समाज हाथ पे हाथ धरे कुछ नहीं कर पा रहा। इस बेबस समाज के लिए वाहिद रास्ता मुसलमान मुत्तहिद होकर संविधान के तहफ्फुज़ की लड़ाई लड़े, दलितों, ईसाइयों को साथ में लिया जाए क्योंकि ये भी मजलूम है, लेकिन यहाँ भी जमीर फरोश लोग मिलेंगे। भाजपा RSS का हिस्सा बने हुए लोग यहाँ भी देखे जाते हैं। मुसलमानों में मुनाफिकत बढ़ती जा रही है, कुछ रुपयों के खातिर मुसलमानों के मुखबिरी करने वाले हर गली मोहल्ले में पाए जा रहे हैं। मौलाना लोगों में जुमा में हक बात करने की कुव्वत नहीं रही। जंग आजादी में मुसलमानों को जिंदा जलाया गया, फांसी पे लटका गया, अब सिर्फ बयानबाजी बाकी है। पुलिस की गाड़ी देखते ही धड़कने तेज होने वाले कई मुसलमानों में पाए जा रहे हैं। लिहाजा वक्त की नजाकत को समझते हुए बेकार और फिजूल के दावे छोड़कर हकीकत पर मुबनी फैसले करने होंगे। काम बहुत मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। महज कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद नहीं होते, आने वाली नस्लों का सौदा कर उन्हें गुलाम बनाने का इल्जाम हम सब के सरों पर होगा। लिहाजा हालात को समझकर मुसलमान फैसला करे, वरना तो हालात आने से रुकने वाले तो नहीं है, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।